हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज हम आपके सामने ऑडियो लेक्चर हिंदी में लेकर आए हैं, एंशियंट हिस्ट्री पार्ट 4। आज हम करेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, जहाँ पर महाजनपदों का उदय हुआ था। इससे पहले हम लोगों ने पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके बाद हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति क्या थी, नेक्स्ट हमने देखा वैदिक संस्कृति क्या थी, और आज हम पार्ट 4 करेंगे महाजनपद, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका उदय हुआ था। और उसके बाद हम लोग ऐसे ही थोरोली चलेंगे, बौद्ध धर्म देखेंगे, जैन धर्म देखेंगे, उसके बाद आगे ही ऐसे ही आपका पूरा ये लेक्चर इसमें कवर हो जाएगा। ये ऑडियो लेक्चर हमने इस पर्पज से बनाया है कि कहीं भी आप ट्रेवल करते समय या फिर कोई भी आप काम कर रहे हो जिसमें माइंड का यूज़ ना हो रहा हो, तो लीड लगा के आप लोग ये लेक्चर सुन के अपना कोर्स पूरा कर सकते हो। और ये लेक्चर किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको हिस्ट्री में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा क्या थी, महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं इसका थोरोली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, 16 महाजनपद बने थे। इनकी जो जानकारी है वो हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। तो अब मैं बताऊंगी आपको महाजनपद 16 कौन कौन से थे, उनकी राजधानी क्या थी, और आधुनिक भारत में या फिर आधुनिक क्षेत्र में ये कहाँ स्थित हैं, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान। तो महाजनपद पहला है अंग महाजनपद था, जिसकी राजधानी थी चंपा, जो कि भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रज और जिसे राजगृह भी कहते हैं, पटना गया बिहार में स्थित है। काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो कि वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। वज्जी महाजनपद, जिसकी राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला थी, ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। नेक्स्ट हम महाजनपद की बात करेंगे। छठा कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, जो कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन, जिसको महिष्मती भी कहा जाता है, मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल, जिसकी राजधानी थी कुशावती, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। पंचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र या कांपिल्य थी, ये बरेली, बंदायू, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में के क्षेत्र में स्थित है। चेदी, जिसकी राजधानी है शक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एरिया कवर करती है। नेक्स्ट कुरु की बात करेंगे, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो जिसमें आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र आते हैं। 12वां महाजनपद है मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराटनगर, जो कि जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। 13वां महाजनपद कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक है, जो कि राजौरी और हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। 14वां महाजनपद सूरसेन, जिसकी राजधानी है मथुरा, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश क्षेत्र से संबंधित है। 15वां महाजनपद अशमक, जिसकी राजधानी पोटली है, पोतन जिसे कहा जाता है, गोदावरी नदी क्षेत्र, जो कि दक्षिण भारत का ये एकमात्र महाजनपद है, ये इम्पॉर्टेंट है। गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला, जो कि रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। ये हमारे थे 16 महाजनपद। अब हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर जो आए हुए क्वेश्चन थे वो किस हिसाब से हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो इसी से रिलेटेड है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस चीज़ के थे, तो ये थे सबसे प्राचीनतम चांदी के सिक्के। ये क्वेश्चन UPSC 2010 में आ चुका है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी बोले जाते थे। ये ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के बीच प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, राजा की बात करेंगे और किस राज्य में उनका शासन था उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रद्योत, जिसका शासन था अवंती में। उदयन का शासन था वत्स में। प्रसेनजीत, इसका शासन था कौशल में। और अजात शत्रु, इसका शासन था मगध में। अभिलेखी साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये कहाँ खोदी गई थी, ये खोदी गई थी कलिंग में। ये UPSC 1999 का क्वेश्चन है। इसके डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख में नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय से सूचित होता है।
इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा के ले गया था और कलिंग में एक नहर का इसने निर्माण करवाया था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का नाम था अवंतिका। ये MPPSC 1993 और UPPSC 2009 का क्वेश्चन है और ये मालवा संभाग में स्थित उज्जैन भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में से एक है और इसे अवंतिका भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि माध्यमिका जो कि नगरी है राजस्थान, भारत के चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराट नगर वैराट राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने इसका अज्ञातवास यहीं पर व्यतीत किया था। इसका उल्लेख भी महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है, तो इसका दो आंसर है, इसलिए इस आंसर को हटा दिया गया था। RAS में 2016 में पूछा गया माध्यमिका नगरी जो कि राजस्थान और विराट नगर जो कि वैराट कहते हैं राजस्थान स्थित है, ये दोनों, और ये दोनों इसका आंसर है जिसका वर्णन महाभारत और महाभाष्य दोनों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक। इसकी स्थापना उन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बना के की थी और इन्होंने ही राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो और इसकी वास्तविक जो स्थापना है वो गंगा और सोन के संगम पर जो कि अभी हमने बात की हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी। इसमें जो ऑप्शन है इसमें उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य लगाया गया है। अगर उदयन ऑप्शन होता तो सबसे पहले उदयन लगाया जाता। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, फिर ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर है उदयन। BPSC 2000 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन और वासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? तो ये उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवासवदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में इसकी जो डिटेल है वो देख लेते हैं। वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? BPSC 1997 का क्वेश्चन है। तो ये हुआ था ईसा पूर्व छठी शताब्दी में और इस साम्राज्य के तो वास्तविक संस्थापक थे वो राजा बिंबसार थे जो कि 544 से 492 ईसा पूर्व में इसका काल था और ये हर्यक कुल से संबंधित थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर का राज्य था? तो काशी इसमें ऑप्शंस में सही है। IS 1999 का क्वेश्चन है। काशी जो था छठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली राज्य था और काशी की कौशल अंग और मगध के साथ बहुत लंबी प्रतिद्वंद्वता थी। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो मैं आपको बता देती हूँ, बुद्ध काल में कई गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। तो कौन कौन से गणराज्य थे मैं पूरा बता देती हूँ, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, रामगाम के कौलीय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये 10 ऐसे गणराज्य थे जिनका गणराज्य होने का प्रमाण मिला है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? BPSC 2008 का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो लिच्छवी द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे, वैशाली राज्य के संस्थापक थे जो कि बुद्ध काल का सबसे बड़ा गणराज्य था। थोड़ा सा इसके बारे में, एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल देख लेते हैं। राजा चेतक लिच्छवी गणराज्य के एक राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबसार से हुआ था।
लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान में से एक था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो अभी हमने इसकी बात की थी जब हमने इसका डिटेल देखा था, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, इसमें सूचना मिलती है 16 महाजनपदों की। ये यूपीपीएससी 2004 में और बिहारपीएससी 2003 में क्वेश्चन आया था, और यूपीपीएससी 2008 और यूपीपीएससी 2000 स्पेशल जो मेंस हुआ था उसमें भी आ चुका है। एक क्वेश्चन है, महाजनपदों में पाणिनि की अष्टाध्यायी में कौन कौन से महाजनपदों का उल्लेख है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख है। इनमें जो प्रमुख है वो है मगध, अश्मक, कंबोज, गंधार, सूरसेन आदि। 16 जो महाजनपदों की सूची मिली है उसमें जो कि कहाँ कहाँ से ये मिले हैं इसको देख लेते हैं। तो ये मिले हैं अंगुत्तर निकाय से, जो कि हम देख चुके हैं, और एक भगवती सूत्र में भी इनकी जानकारी मिली है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो अहिच्छद्र में उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। और वहीं हम दक्षिणी पांचाल की बात करें तो उसकी राजधानी थी कांपिल्य। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थे, और जबकि मथुरा जो थी वो सूरसेन की राजधानी थी। नेक्स्ट, मथुरा किसकी राजधानी थी? तो अभी हमने देखा सूरसेन की राजधानी। ये झारखंड पीएससी 2013 का क्वेश्चन है। चंपा किसकी राजधानी थी? तो चंपा राजधानी थी अंग की, जो कि अभी हमने डिटेल में देखा भागलपुर बिहार में स्थित ये महाजनपद था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो शक्तिमती थी चेदी की। यूपीपीएससी मेंस 2011 का क्वेश्चन। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? तो इसको भी हमने देख लिया था, अस्मक इसका नाम है, और इसकी जो राजधानी थी वो थी पैठन, या इससे पोटन या पोटली भी कहा जाता है, और ये नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित थी। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की गिरिब्रज, जिसे राजगृह भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मगध की राजधानी वापस से, तो ये बिहार पीएससी 2005 और 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। और अब मगध की बहुत सारी राजधानियां हुई हैं, तो इसमें से कौन कौन सी राजधानी मगध की हुई है? तो गिरिब्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र तीनों मगध की राजधानियां रही हैं, कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं रही है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये अर्धचंद्राकार आकृति का है। श्रावस्ती नगर अर्धचंद्राकार आकृति का है। इसकी खोज जो की थी वो अलेक्जेंडर कंगिंगम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के निकट की थी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये है अजातशत्रु, जिसने अपने पिता जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा, और इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने की थी। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो ये हर्यक वंश था, जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था तो वो था अजातशत्रु, जो अभी हमने बात की। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीएससी 2007, बिहार पीएससी 2011, यूपीपीएससी 2011, इन सब में आ चुका है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। शिशुनाग ने अवंती नरेश जो प्रद्योत था उसको पराजित कर मालवा जो कि अवंती था मगध के राज्य में मिला लिया था। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन था? तो ये था मौर्य राजवंश का। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण तो ये है खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख। अब हम मगध राजवंशों को कालक्रम के अनुसार लगाएंगे, तो सबसे पहले आएगा हर्यक वंश, फिर आएगा नंद वंश, फिर आएगा मौर्य वंश, और फिर आएगा शुंग वंश। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो ये बिंबसार के दरबार से संबंधित था।
राजवैद्य जीवक था, वो अवंती नरेश चंद्र प्रदत्त के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा गया था। और हर्यक वंश का बिम्बसार जो था वो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है और मगध का वास्तविक संस्थापक था। कालपी नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। इसे कालप्रिया के नाम से भी विख्यात है ये नगर। और 4वीं सदी में राजा वसुदेव ने ये नगर बसाया था कालपी। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपदों की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, UPSC 2008 में आया हुआ है। और उसकी राजधानियाँ क्या थी? ये मेनली उत्तर प्रदेश के बारे में है, जो कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, उसमें से लिया गया है। तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिक्षेत्र, कौशल की साकेत और वत्स की कौसाम्बी। तो ये हमने आज बात की महाजनपदों के उदय की। इसके अलावा इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, हमने सारी आज डिटेल इसमें से पढ़ ली है। तो नेक्स्ट हम जब बात करेंगे तब हम लेकर आएंगे बौद्ध धर्म के बारे में पूरी डिटेल उसकी, और उसमें जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।